अल्फाज जो भी हों जैसे भी हों, लोग मतलब हमेशा अपनी मर्जी का निकालते हैं। ध्यान रहे कि रूठी हुई खामोशी से बोलती हुई शिकायतें अच्छी होती हैं। गलत पासवर्ड से तो मोबाइल भी नहीं खुलता, तो गलत आमाल से जन्नत के दरवाजे क्या खुलेंगे। जिस दिन तुम्हें पता चल जाए कि जो काम तुम्हारी मर्जी से नहीं होते वो तुम्हारे लिए कितने बेहतर होते, उसी दिन तुम्हारी बेसकूनी खत्म हो जाएगी। जुल्म और गरूर की सजा दुनिया में जरूर मिलती है। जब घरेलू फैसले करने के लिए बाहर के बंदे की जरूरत पड़ जाए तो समझ लें आपका खानदान तबाह हो चुका है। हमें डांप कर वही रखता है जिसके लिए हम कीमती होते हैं, फिर चाहे वो हमारा रब हो या फिर कोई और इंसान। ना तो गिलास एक कतरा से भर जाता है, ना ही इंसान एक लफ्ज से नाराज होता है। असल कहानी के पीछे कहानियों का लगा हुआ ढेर है। रिश्तों की कदर उनकी जिंदगी में करें, वरना तस्वीरें कहां किसी की कमी पूरी कर सकती हैं। जब किस्मत मारे तो निशान चेहरे पर नहीं दिल पे पड़ता है। उस शख्स से मोहब्बत करना भी हर दिन मरने के बराबर है जिसको तुम्हारे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुनो और जवाब देने का हक वक्त को दे दो। लोग अपने रवैये पर गौर नहीं करते, खामोश रहने की वजह पूछते हैं। खुद को किसी की अमानत समझकर हर लम्हा वफादार रहना भी इबादत है। मोहब्बत में मुब्तला शख्स के नजदीक दुनिया की आबादी सिर्फ एक शख्स होता है। लोगों से सुना था कि वक्त बदलता है, लेकिन फिर लोगों ने बताया कि वक्त के साथ लोग भी बदलते हैं। जिंदगी के मसाइल हमेशा के लिए नहीं होते, ये बस हमारी जिंदगी के तजर्बे की किताब पर दस्तखत करते हैं और चले जाते हैं। मोहब्बत का इजहार तब ही करो जब निभा सको, बाद में मजबूरियों का सहारा लेकर छोड़ना वफादारी नहीं है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके लाजमी बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकअल्लाह।